हम सब बिजनेस स्टडीज में सिर्फ 12 चैप्टर हमें मिलते हैं पढ़ने के लिए लेकिन सच कहूं तो 12 चैप्टर हम कई बार पढ़ भी लेते हैं लेकिन दो ऐसे चैप्टर है जो हमें कभी समझ नहीं आते फाइनेंशियल मैनेजमेंट फाइनेंशियल मार्केट अगर मेरी बात सही है तो मुझे कॉमेंट मेंशन जरूर करना बट इसके अलावा जो बाकी सारे चैप्टर्स हैं सर हमें वो तो आते हैं लेकिन फिर भी हमें उसकी केस स्टडी नहीं बनती तो वो क्या रीजन है जिसकी वजह से हम केस स्टडीज नहीं बना पा रहे और हम केस स्टडीज़ कैसे बनाएं तो यार देखो केस स्टडीज कभी भी तुम बनाने जाओ तो तुम्हें तीन स्टेप को फॉलो करना है अगर तुमने इन तीन स्टेप्स को किसी भी चैप्टर में अप्लाई नहीं किया है तो तुमसे केस स्टडी नहीं बनेगा सबसे पहला चैप्टर चैप्टर को डीपली अच्छे से आपने वीडियोज के थ्रू देख लिया समझ लिया चैप्टर को अच्छे से पहला काम दूसरा काम बुक रीडिंग इज मस्ट किसी भी ऑथर की किसी भी राइटर की बुक तुम्हारे पास है आई डोंट केयर किसी की बुक तुम्हारे पास है उस पूरी बुक को उस बुक का पूरा का पूरा चैप्टर रीड करने में तुम्हें हार्डली एक दिन का समय लगेगा एक दिन हार्डली अगर तुम दिन भर बैठ जाओ तो छः घंटे बैठ जाओ दिन भर में तो आराम से रीड कर लोगे उसको रीड करके समझते चलो पेंसिल से अंडरलाइनिंग करके मीनिंग को ऊपर लिखते चलो क्यों क्योंकि तुमने पहले मेरी वीडियो चैप्टर पढ़ लिया है तो अब तुम्हारे लिए आसान है उसको लिख लिख के याद करना लिख लिख के समझना पूरे चैप्टर को बहुत आसान है आजकल डिक्शनरी है यूट्यूब है गूल है इतनी चीज़ें हैं यार सब समझ सकते हो आराम से मीनिंग वगैरह पहले दिक्कत होती थी बच्चों को आजकल के बच्चे मॉडर्न एडवांस है ढूंढ निकालते हैं गूगल से सब पूछ तो ये देखो आपने चैप्टर रीडिंग कर लिया तीसरा तीसरा काम बुक में जितने भी केस स्टडीज दे रखिए ना एक बार आप उसे पहले आंसर हाइड करके देखो दिमाग लगाओ कोशिश करो समझने की फिर आंसर देखो मैच कर रहा है ठीक है नहीं मैच कर रहा है देखो कहाँ गलती है इसी तरीके से सारे क्वेश्चंस को आप करो मे बी एक चैप्टर को ऐसे करने में हफ्ते भर का समय लग जाएगा लेकिन दो महीने में तुम्हारे पूरे के पूरे, के पूरे क्लास दो ढाई महीने के अंदर तुम्हें सब कुछ खत्म हो जाएगा सर दो ढाई महीने नहीं है तो आप हफ्ते में दो चैप्टर खत्म करो हफ्ते में तीन चैप्टर खत्म करो और महीने भर में क्लास कोशिश करो कि छः सात चैप्टर खत्म करो और तुम्हें दो महीने का सोचना ही नहीं है तुम्हें तो काम को स्टार्ट करना है हम कहाँ चलेंगे उससे हमें क्या मतलब है अभी हमें स्टार्ट करना है सर अभी हफ्ते में एक कर रहा हूं तो क्या पता कल को दूसरे हफ्ते में मिला के तीन हो जाए कल को चार हफ्ते में क्या पता आप मैच नहीं देखते शुरू में रन रेट कितना धीरे धीरे रहता है लास्ट के ओवर में सत्रह अठारह रन बीस रन निकल आते हैं कैसे अगर वो शुरू में सोचेंगे इतना बड़ा स्कोर है कैसे बनेंगे तो शुरू में सब लोग घर चले जाएंगे हार के लेकिन वो लास्ट तक हिम्मत हारते हैं जिनको फॉलो करते हैं। विराट कोहली क्या क्या पाकिस्तान इंडिया के मैच में लास्ट तक हिम्मत रखा हिम्मत रखा लास्ट के आठ बॉल पे क्लास लगभग अट्ठाईस रन चाहिए थे तो भी बन गए जबकि क्लास शुरू के आठ बॉल में देखो अट्ठाइस रन नहीं थे लेकिन लास्ट के आठ बॉल में अट्ठाइस रन बन गए इसका क्या मतलब है कि आप एटलीस्ट स्टार्ट तो करो बहाना क्यों ढूंढते हो बचने का स्टार्ट करो ये तीन स्टेप फॉलो करो पूरा वीडियोस देखो क्वेश्चन रीड uh, करो पूरे उसको और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो देन देखना क्लास आपसे के स्टडी बनेगा हंड्रेड के स्टडी में से नाइनटी फाइव बनेगा नाइनटी बनेगा के स्टडी बनने लगेगा आप इस स्टेप को फॉलो करो डेफिनेटली आपसे स्टडी बनने लगेगा